मुद्दे उठाए हैं। वन थिंग मैं एक्चुअली रिट्रीट भी करना चाहती हूँ कि HRLN इज टोटली नॉट ओनली लिटिगेशन। ये मीटिंग इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है कि देर शुड बी अ काइंड ऑफ लाइक वी से ब्रिजिंग द गैप। एंड इट्स नॉट ऑलवेज दैट लॉयर्स ऑलवेज नो एवरीथिंग, सो दैट इट इज फ्रॉम द एक्टिविस्ट ओनली वी विल गेट इंफॉर्मेशन। सो दैट सेड एंड इट्स वेरी पर्टिनेंट, आई मीन इट्स वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है कि वेन वी आर एक्चुअली लाइक कोर्ट कैन नॉट डिसाइड पॉलिसी, वेरी ट्रू। लेकिन क्या है कि पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट अगर पॉलिसी देता है लाइक ब्रिंग्स आउट स्कीम्स एंड ऐसे टारगेट्स बोलते हैं, तो डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल में दो द एक्टिविस्ट शुड नो कि दीज टारगेट्स आर नॉट अचीवेबल एंड इट काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट आर डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स। आई मीन डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स वो क्या होता है कि इफ यू आर सेइंग कि 5 लोगों का स्टरिलाइजेशन होना ही है, तो दैट मीन्स लाइक एज सर सेड द पोअर पीपल आर गोइंग टू बी प्रेशराइज्ड, दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन, दैट नीड्स टू बी चैलेंज एंड दैट कैन बी चैलेंज टू द कोर्ट। द थिंग इज ये जो लाइक द क्वेश्चन ऑफ चॉइस कि आपने उन लोगों को ये बताया है, दिस आर ऑल वो इश्यूज आ जाते हैं। आप लोगों ने उस औरत को ये बताया कि इसका ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ये इसका ये मतलब कंडीशंस ऑन इन द मैनर विच द स्टेरिलाइजेशन वॉज कैरिड आउट, दीज आर इश्यूज विच वी कैन एक्चुअली टेक फॉर यू नो लिटिगेशन इफ वी हैव टू टेक लिटिगेशन। एंड व्हेन वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अभी सर ने लाइक ही रियली मेड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कैंप्स, लुक वॉट इज द कंडीशन मोस्ट ऑफ द इवन इन द प्रीवियस सेशन व्हेन वी वर लुकिंग एट इट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैड हिस्टेरेक्टमी डन उन सबका ट्यूबेक्टोमी हैड हैपेंड ड्यूरिंग कैंप्स एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स वेयर व्हाट द बैक पेन एंड द स्टमक पेन एब्डोमेन पेन ऑल दैट वाज हैपनिंग एंड स्टिचेस वर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दो दैट रियली शोज दैट द कैंप्स डिड नॉट हैपन इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस एंड दैट हैड टू बी चैलेंज्ड, दैट कैन बी चैलेंज्ड। सो एक्चुअली आर हेल्थ एक्टिविस्ट वर्किंग इन द ग्रास रूट लेवल एरिया can actually bring out these issues, bring out these information, and we can sit together and see how we can look frame the legal points for deciding protocol or for deciding ki kya what are the grounds which will raise for litigation. So that said, awareness is important, awareness of the issue is very important. एंड सेंसरी जो सर ने बोला कि लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इवन एट द पीपल हु आर गोइंग टू नॉट नो कि वॉट दे आर एंटरिंग टू, सो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस कैन बी गिवन ओनली बाय द हेल्थ एक्टिविस्ट एंड हेल्थ एक्टिविस्ट हु आर वर्किंग विद द पीपल एट द ग्रास रूट विल नो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड बी आई मीन उस इंफॉर्मेशन से वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड प्रिपेयर अ like we can go ahead and say okay litigation se hum log ye kar sakte hain. And again I agree with sir that litigation is not the only tool, it is I mean you have to work public interest litigation means it is a multidisciplinary approach. I mean you have to bring out all aspects and then go only then can we actually have a proper health we can ensure our health rights. It has to work at all levels. It cannot work through one framework at all. A multidisciplinary approach definitely will have to be taken into account. So these issues, actually, those points which sir has raised, I mean, as people coming from different areas, I'm sure they will be applying these particular principles. Or ये जो sir ने बोला है, इसको अपने work में definitely involve करेंगे. And I think our lawyers should actually sit with the people with the activists who have come from the area and see how we can take forward these issues for litigation. Thank you so much.